बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 22 और 23 जुलाई को पदाधिकारियों के साथ में मंथन करेंगे। मंत्रियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में मंथन करेंगे। सरकार और संगठन के काम की जानकारी भी लेंगे। संगठन के महामंत्री अगली चुनावी रणनीति भी तय करेंगे और सीएम डोगी के साथ कोर कमेटी में भी शामिल होंगे। कोर कमेटी में बीएल संतोष, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष 22 और 23 को यूपी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान संगठन को लेकर लगातार उनकी बैठकें भी होंगी। संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, 22 और 23 को संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। दौरा कितना अहम, कितनी बैठकें होने वाली, किन किन लोगों से उनकी बैठक होने वाली? बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जहां पर भूपेन चौधरी कल से ही दिल्ली में है और आज वो दिल्ली में रहेंगे। जेपी नड्डा, बीएल संतोष, इनसे वो खुद मुलाकात कर रहे हैं। महाजनसंपर्क अभियान जो कि 30 जून को खत्म होना था लेकिन उसे बढ़ा करके बाद में उसे 15 जुलाई तक किया गया, लेकिन इन सब को लेकर के जो रिपोर्ट है वो जेपी नड्डा को सौंपी गई है और बीएल संतोष, संगठन, इन सब के बारे में जानकारी देने के बाद कल 22 और 23 दो दिन बीएल संतोष यहां रहेंगे और भूपेन चौधरी जी के साथ ही आना है उनको, प्रदेश अध्यक्ष के साथ। तो इसमें माना जा रहा है कि एक तो महाजनसंपर्क अभियान जो उसका रिपोर्ट कार्ड है, चाहे सांसदों का हो, विधायकों का हो, कार्यकर्ताओं का हो, ये देखा जाएगा किसने कैसे काम किया, किस तरह से मेहनत किया, जो सरल ऐप बनाया गया था उस पर किसने कितनी गंभीरता दिखाई है, उसकी एक तौर पर समीक्षा बैठक है। दूसरी तरफ बात है कि उत्तर प्रदेश में इस बीच काफी कुछ राजनीतिक फेरबदल हुए हैं। राजभर एनडीए के साथी हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन के साथी बन चुके हैं। दारा सिंह चौहान सपा छोड़कर के बीजेपी में आ चुके हैं। इस तरह के माहौल में बीएल संतोष आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथी पूरब में कितने न सिर्फ प्रभावित हुए हैं बल्कि कितना प्रभाव बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, ये एक विषय रहेगा, बिंदु रहेगा। और दूसरी तरफ रहेगा कि जो 80 सीटों का जीत का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो कैसे पूरा किया जाएगा, और इन सब के बीच में जो अटकलें हैं जो लगभग लगभग तय माना जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का, योगी मंत्रिमंडल का, संगठन और मंत्रिमंडल दोनों को लेकर चर्चा इस दौरे में जरूर होगी जब बैठक होगी। फिलहाल आलोक, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर, बीएल संतोष के दौरे के बाद होगा बदलाव, योगी मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा बदलाव, अगस्त के पहले हफ्ते में बदलाव संभव माना जा रहा है। ओपी राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, कुछ पूर्व मंत्री पर भी दांव लगाया जा सकता है। तो योगी मंत्रिमंडल को लेकर भी इस वक्त चर्चाएं तेज हैं। बीएल संतोष भी 22 और 23 जुलाई को यूपी के दौरे पर आएंगे, साथ ही साथ महाजनसंपर्क अभियान को लेकर तो मंथन किया ही जाएगा, साथ ही साथ पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए।